हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और काइन मास्टर ऐप से वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे काम करते जा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, बट उनके किसी भी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे हैं और ना ही उनकी वीडियो वायरल हो रही है। और बाई मिस्टेक कभी उनकी वीडियो एक दो वायरल भी हो जाती है, कुछ अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उस वीडियो पर व्यू जाना भी बंद हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाते हैं और वो आपकी जो वायरल वीडियो है YouTube के सर्च लिस्ट से भी वहां से हट जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है दोस्तों? तो यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा, यानी दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट होगा दोस्तों YouTube वीडियो एक्सपोर्ट साइज, यानी दोस्तों आप अपनी वीडियो को जो काइन मास्टर ऐप से एक्सपोर्ट करते हैं उसकी क्या साइज होना चाहिए, यानी उसका रिजोल्यूशन साइज क्या होना चाहिए, उसका फ्रेम रेट साइज क्या होना चाहिए, उसका बिट रेट साइज क्या होना चाहिए, पूरा चीज दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आपको करना चाहिए। दूसरा दोस्तों हमारा टॉपिक होगा, जो दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों हाउ टू एक्सपोर्ट यूट्यूब वीडियो इन काइन मास्टर ऐप, यानी काइन मास्टर ऐप से अपने वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट करना तो आपको आता है, पर कैसे एक्सपोर्ट करें, किस साइज में एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि फ्रेंड्स आपकी यूट्यूब वीडियो पे अच्छे खासे व्यू जाए और आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यू जाने के बाद आपकी वीडियो वायरल हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे वीडियो जब हमारी अपलोड होती है तो यूट्यूब पे एक कैटेगरी होती है, यानी दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो की एक कैटेगरी होती है कि आपकी वीडियो किस क्वालिटी की है, नॉर्मल क्वालिटी है 360p की है कि HD क्वालिटी है 720 है कि फुल HD क्वालिटी यानी 1080p पे किस क्वालिटी की आपकी वीडियो है या 4K रेजोल्यूशन की आपकी वीडियो है। तो दोस्तों आपकी वीडियो जिस क्वालिटी पे होती है वहां पे YouTube आपको उस वीडियो को स्कैन करके उस क्वालिटी पे आपकी वीडियो को ला करके रख देता है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी YouTube की वीडियो अच्छी क्वालिटी की नहीं है और बाय मिस्टेक आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, वहां पे दोस्तों अच्छी क्वालिटी में वहां पे पहुंच हो जाती है, बट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वीडियो तो अच्छी क्वालिटी की है नहीं बट बाई मिस्टेक आपकी वीडियो वायरल हो गई है और टॉप लिस्ट में पहुंच गई है, तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से YouTube उस वीडियो को ऑटोमेटिक वहां से हटा देता है, यानी उसको डाउन कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपकी YouTube की जो वीडियो है वहां पे सर्च लिस्ट से हट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चलिए अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो को जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी क्या साइज लेना पड़ेगा ताकि फ्रेंड्स आप अपने वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज ला सकें। क्योंकि दोस्तों जब भी आप YouTube के वीडियो को काइन मास्टर ऐप से एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी YouTube की जो वीडियो है आपकी बड़ी साइज हो जाती है, यानी उस वीडियो का जो साइज होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे 5-10 मिनट की अगर आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि वहां पे 1 GB 1.5 GB 2 GB 2.5 GB 3-3 GB की आपकी वीडियो हो जाती है, 10-10 मिनट की वीडियो जो होती है 15 मिनट की वीडियो हो जाती है वो 3-3 GB की हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी वीडियो को अपलोड करने में ज्यादा टाइम भी लगता है और काफी डाटा आपका मोबाइल का यूज भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ही गाइड करूंगा कि अगर आप लोग YouTube पे आ गए हैं फ्रेंड्स, अगर मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं, खर्ची कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा खर्च करिए, यानी फ्रेंड्स उस अपने मोबाइल में जो पैक डला रहे हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा MB डलाइए, जैसे 2.5 GB 3 GB पर डे वाला प्लान जरूर रखिए। दूसरी बात करें दोस्तों कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने YouTube के वीडियो को काइन मास्टर ऐप से एक्सपोर्ट तो कर देते हैं बट एक्सपोर्ट करने के बाद फुल HD में एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो क्या करते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप में ले जाकर के उस वीडियो को वहां पे कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका रेजोल्यूशन जो होता है कम करते हैं, यानी उस वीडियो का जो साइज है वो कम हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो की क्वालिटी वही रहेगी बट उसकी साइज कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी चीज नहीं करना है, हमेशा अपनी YouTube की वीडियो को फुल HD में ही कन्वर्ट करना है, यानी एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक बार अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि दोस्तों आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने YouTube वीडियो को एडिट करके एक्सपोर्ट करने के लिए काइन मास्टर ऐप में आ चुका हूं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो यह वीडियो है करीब 3 मिनट 56 सेकंड की है, यानी करीब 4 मिनट की यह वीडियो है। तो दोस्तों सिंपली आपको इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहां पे एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पूरी सेटिंग इनेबल है, रिजोल्यूशन साइज, फ्रेम रेट और बिट रेट। तो दोस्तों यहाँ पे रिजोल्यूशन साइज में बहुत सारी साइज होती हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं HD में कर देते हैं, बहुत से लोग HD में कर देते हैं ताकि उनकी जो वीडियो की साइज है वो कम रहे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे FHD यानी फुल HD लेना है, 1080p पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसको टॉप में यानी जो 30 है इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो यहाँ पे बिट रेट है इस पर क्या करते हैं बहुत से लोग कम या ज़्यादा कर देते हैं ताकि मेरी वीडियो की साइज ज़्यादा ना हो, 1.5 GB 2 GB की ना हो, कम में ही काम चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं बिट रेट क्वालिटी को यहाँ पे कम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है इसकी जो क्वालिटी एकदम हाई कर देना है, यानी फ्रेंड्स आपको रिजोल्यूशन
FHD 1080 पे रखना है, फ्रेम रेट 30 पे रखना है और बिट रेट जो है आपको हाई करके एक्सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ आपका हाई होगी। हाई करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी YouTube की वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप अपनी YouTube की वीडियो को एक्सपोर्ट करके अपलोड करेंगे और YouTube के एल्गोरिदम में आपकी YouTube की वीडियो अगर एक बार फंस जाती है तो आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज भी आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने YouTube के चैनल के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी मुझसे पूछना है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मुझे सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।